नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। राजधानी लखनऊ में आज सविता सेन समाज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नाई समाज को सम्मान अधिकार दिलाना है। कहा गया कि सविता सेन समाज का समर्थन कर रहे पूर्व एमएलसी रामचंद्र प्रधान को 2022 के चुनाव में जगह न देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा सबका साथ सबका विकास को नकारा है। इसी के चलते सविता सेन समाज ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी रामचंद्र प्रधान, अनिता प्रधान सहित कई लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पहुंची हमारी संवाददाता ने रामचंद्र प्रधान से खास बातचीत की है। इस वक्त अनिता प्रधान महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष भी हमारे साथ में मौजूद हैं। वो इस कार्यक्रम को लेकर क्या बोलती हैं, सीधे बात करते हैं। तो अनिता जी, आज के कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं रामचंद्र प्रधान जी की वाइफ हूँ। हमारे समाज के लोगों में बहुत रोष है इस बात को लेकर के कि उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी वो लोग बताते हैं कि 4% की आबादी है, लेकिन 4% को अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो मेरे ख्याल से, वो पुराने आंकड़े हैं ये, अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से आज की डेट में 1 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और ये तो गलत किया था कि उन्होंने इस समाज के किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया। क्या इतना भी हक नहीं बनता है? खाली भीड़ का एक हिस्सा बना के रख रखा है। और हम नहीं चाहते, क्योंकि मैं, हम इनकी वेबसाइट को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों की व्यूज़ देख रहे हैं, तो हमको बहुत गिल्टी लग रही थी। तो हमने कहा हम खड़े होंगे। 2 दिन के अंदर हमने एक ये छोटी सी मीटिंग अरेंज की और उसमें अपने पूरे समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक शक्ति में, एक छत के नीचे ला करके, एक बैनर के तले अब उनके आवाज़ हम बनेंगे। और उनको आज हम एक सीट नहीं, हर जिले की सीट के लिए अगली बार हम आह्वान करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी बना करके हम अपने पूरी डिमांड करेंगे, अपना ही हम खुद लड़ेंगे चुनाव, हमको किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी रोष है सेन समाज के अंदर, रोष इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी, जिसे मैं एक ही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सैन समाज को 403 सीट में से क्या एक भी सीट नहीं बनती थी? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में या जिला स्तर पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। तो क्या हम लोग ओबीसी के, हिंदू जाति के लोग नहीं हैं? ये कैसा विकास है, कैसा सबका साथ है, कैसा सबका सम्मान है? क्या यही सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का? अगर इनका नारा है सबका साथ और सबका विकास का और सबके सम्मान का, तो हमारा सम्मान कहाँ है? हमें सैन समाज का सम्मान चाहिए, हमारे नेता का सम्मान चाहिए। हमारे नेता का सम्मान अगर नहीं होगा, तो अगर हमारा नेता जहां आदेश करेगा, हमारा पूरा समाज वहां चला जाएगा। यहां पर पूर्व एमएलसी रामचंद्र प्रधान साथ में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो रामचंद्र जी, ये बताइए कि आज जिस तरीके का कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि हमारे इस विधानसभा चुनाव जो हो रहा है 2022 का, इसमें हमारे समाज के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, आशा थी कि हमारे समाज को भी इसमें भागीदारी मिलेगी, इसमें टिकट मिलेगा, उनको शासन सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिलेगा, हमारे लोग भी चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें वो निराशा हुई, उनको वो निराश हुए, और उस निराशा के कारण तमाम जो आप देख रही हैं, तमाम सब यंग लड़के हैं, सब 25 से 30 साल के जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के, उनके अंदर बड़ा आक्रोश था, समाज के अंदर बहुत आक्रोश। और उस आक्रोश पूरे प्रदेश में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिख रहे हैं कि वोट नहीं देंगे हम, नोटा दबाएंगे,
इस तरह के तमाम अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आज ये समाज का पीड़ा है, दर्द है, ये सही है कि कोई राजनीतिक दल इन्हें इस समाज को भागीदारी नहीं देता। तो क्यों नहीं देता? तो इसके लिए सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो करके एक हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, इसलिए सब इकट्ठा हुए और हर जिले वाइज, विधानसभा वाइज, घर घर का जो गिनती नहीं, चूँकि ये समाज ऐसा है कि हर गांव, हर गली मोहल्ले, हर चट्टी चौराहे पे पाया जाता है, लेकिन बल्क में नहीं दिखाई देता। ऐसे भी समाज हैं जो बल्क में दिखाई देते हैं, जो नहीं है तो जिले में पता लगा ये कहीं नहीं है, ये पाँच पाँच जिलों में नहीं है, पाँच दस जिलों में हैं खाली, लेकिन वो बल्क में दिखते हैं, ज़्यादा संख्या में दिखते हैं। लेकिन ये समाज ऐसा है जो हर गली मोहल्ला, चट्टी चौराहा, गांव पे, हर जगह पाया जाता है, लेकिन वो बल्क में दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए लोग देखते नहीं। तो आज इस समाज ने ये तय किया है कि हम अपनी जाति गणना स्वयं करेंगे और घर घर जा कर के इसकी हम रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के माध्यम से एक संगठन तैयार करेंगे। और कोई ऐसा जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर 1,00,000 से कम आबादी हो, और वो अपने को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा और अपने संगठन के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, नौजवान उनको जोड़ेंगे, उनको कैडराइज कराएंगे, उनको तैयार करेंगे। तो मतलब आपका कहना, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ सकें इसलिए समाज को तैयार करें। तो मतलब आपका कहना ये है, मतलब आपका कहना ये है कि जिस तरीके से अभी जो 2022 का विधानसभा का जो चुनाव है उसमें आप लोग की तरफ से एक बहिष्कार रहेगा? नहीं नहीं नहीं, बहिष्कार की बात नहीं, ये बहिष्कार करने के लिए मीटिंग नहीं है। ये समाज का जो आक्रोश है वो इस बात का आक्रोश है कि हमें शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। समाज की बहिष्कार से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बहिष्कार करने से इस समाज का भला भी नहीं होने वाला है। इसलिए हम इस पक्ष में नहीं थे और ना ये समाज इस पक्ष में है। लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद तो करना चाहता है ना, अपनी बात को तो कहना चाहता है, राजनीतिक दलों से कहना चाहते हैं कि समाज का इसी अगर सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो सबका साथ सबका विकास में उसी समाज में तो ये भी समाज आता है ना, तो इसका भी तो विकास होना चाहिए। ये बात, तो किस पार्टी के पक्ष में आप लोग का रुझान ज्यादा रहेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और बाकी ये है कि जिस तरीके से अब आपको मौका नहीं मिला विधायकी के लिए, अब आगे आप किस तरीके से और अपने समाज को किस तरीके से और उठाने का समाज को तैयार करेंगे, समाज तैयार हो करके अपना हक ले लेगा। अभी तक जो नहीं मिला वो समाज तैयार हो रहा है। बाकी ये है कि अब आने वाले समय में जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है, क्योंकि कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है, सभी पार्टियों का अपना अपना माहौल बना हुआ है, तो कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है तो लोगों का कहना है कि उन्होंने विकास की बात की है, सिर्फ जुमलेबाजी की है, उस पर विकास कार्य नहीं हुआ है और उसी के बिहाफ पे भारतीय जनता अपना वोट मांग रही है और बाकी पार्टियाँ ये कह रही हैं सिर्फ झूठ बोला है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, बस इस समाज का विकास नहीं किया, अभी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व MLC रामचंद्र प्रधान हमारे साथ में मौजूद थे, जहां सविता सेन समाज का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया था, जहां उनको एक इस बात का आक्रोश है कि उनको इस समाज में जगह नहीं दी गई, तो अपने समाज की जगह बनाने के लिए उनकी इससे लड़ाई है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने देखी प्राइम टीवी के ये खास रिपोर्ट, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।